डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे के अंदर क्या है? कुछ नहीं, खाली है। डब्बा तो खाली होगा ही क्योंकि बूट मैंने पहले ही निकाल लिया था स्क्रिप्ट लिखने के लिए। डब्बा तो खाली होगा ही क्योंकि बूट मैंने पहले ही निकाल लिया था स्क्रिप्ट लिखने के लिए। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह बेहतरीन बूट है जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो में तीनों ही बूट को हम लोग डिटेल कंपैरिजन में रिव्यू करेंगे और हाँ, साथ में कुछ स्टाइल टिप्स भी आपको बताएंगे। तो हेलो स्टाइल एंथुसियास्ट, दिस इज मिस बाबू रहमान, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लीफाइड यू। चेल्सिया बूट पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली स्वेड मटेरियल के बूट। मेरे हाथ में ये बूट है एफ्रोजैक ब्रांड का, क्लासिकल स्लीम ब्राउन कलर्ड स्वेड मटेरियल। स्लीप ऑन बूट है और बूट के अपर एरिया में आपको इलास्टिक गॉसेट देखने को मिलेगा। बूट का फुटबेड वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और बूट के अंदर साइड चारों तरफ आपको जो है वो सॉफ्ट कुशनिंग फील होगा। साइज 7 है इस बूट का और मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा है, अगर एक साइज छोटा परचेस करूंगा तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और मेरा लेग थोड़ा स्किनी है लेकिन फिर भी ये जो बूट है इसका जो कॉलर एरिया है उसका फिटिंग बहुत अच्छा आ रहा है। सोल रबर का बना हुआ है, कोई भी ग्रिप आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ है। और हाँ, हील हाइट 1 इंच है। सोल कंडीशन अच्छा है, फ्लेक्सिबल भी है। और हाँ, इस सोल को जो है वो बॉडी के साथ ग्लू से चिपकाया गया है, तो ध्यान रखें ये शू जो है, बूट जो है वो पानी में ना भीगे। टैग प्राइस की बात करो तो दोस्तों, टैग प्राइस औकात से बिल्कुल बाहर है, लेकिन मिंट्रा से मैंने इसको परचेस किया ओनली 1199 रुपए में। दोस्तों ओवरऑल प्राइस के हिसाब से लुक्स क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है और इसका जो सोल है ना वो भी काफी फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी व्हाइट स्नीकर्स, फॉर्मल लोफर, फॉर्मल शूज है, देन जाकर आप इस बूट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितने भी शूज का मैंने अभी जिक्र किया सबका रिव्यू आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप अपने कैजुअल सेमी फॉर्मल आउटफिट के साथ व्हाइट स्नीकर पहनकर बोर हो चुके हैं तो फिर आप कुछ इस टाइप के स्वेड मटेरियल का बूट ऐड कर सकते हैं अपने स्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड और एडवांस दिखाने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, विंटर वार्डरोब अराउंड 1000 रुपीज प्लेलिस्ट में हमने डेनिम जैकेट का रिव्यू ऐड कर दिया है, चेकआउट जरूर करें। अगर स्कूल कॉलेज में आप बाकी लोगों से थोड़ा हटके दिखना चाहते हैं तो फॉर्मल लोफर्स की जगह, फॉर्मल शूज की जगह आप कुछ इस तरह का बूट यूज कर सकते हैं। ब्रांड की बात करें तो बहुत ही जाना पहचाना ब्रांड है रोडस्टार। हालांकि मुझे रोडस्टार का फुटर कुछ खास पसंद नहीं है, बट क्या करें, बजट भी देखना पड़ता है। बहुत ही सिंपल क्लासिकल ब्लैक कलर्ड सिंथेटिक लेदर बूट और हाँ, क्लोजर के लिए आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगा। जिप क्वालिटी ठीक ठाक है, फुटबेड उतना कुछ खास सॉफ्ट नहीं है और बूट के अंदर चारों तरफ जो है वो सॉफ्ट कुशन यूज किया गया है। 8 साइज का ये बूट है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मुझे इसको रिप्लेस करके 7 साइज मंगवाना पड़ेगा और इसी वजह से इसका जो कॉलर है उसका फिटिंग थोड़ा सा लूज हो रहा है मेरे पैरों पे। भाई टैग प्राइस बहुत ज्यादा दिखा रहा है लेकिन मिंट्रा से मैं इसको परचेस किया ओनली 1129 रुपए में। इस जूते के सोल को बनाया गया है थर्मोप्लास्टिक रबड़ से और इस वजह से ये जो सोल है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत जल्दी ये फटेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। सोल के नीचे आपको बहुत सारा ग्रिप देखने को मिलेगा और ये ग्रिप इस बूट को थोड़ा सा रफ एंड टफ लुक देता है। जूते के सोल को बॉडी के साथ अटैच करने के लिए स्टिचिंग किया गया है लेकिन स्टिचिंग में ब्लैक थ्रेड अगर यूज किया जाता व्हाइट थ्रेड की जगह तो आई थिंक ये जो जूता है वो थोड़ा और ज्यादा क्लासी लगता। और व्हाइट थ्रेड यूज करने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जूते का जो सोल है वो बॉडी से अलग हो गया था और आप जाके बाद में मूजी से सिलवा कर लाए हैं। सो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से लुक्स एंड क्वालिटी ठीक ठाक है और क्योंकि इस बूट के बॉडी को सोल के साथ जो है वो स्टिच करके लगाया गया है तो आई थिंक ये बूट जो है वो ज्यादा दिनों तक लास्ट करेगा। तो जैसा कि आपको पता है हम आपकी फरमाइश पूरी करते रहते हैं और ये बूट का जो वीडियो था ये भी आपकी फरमाइश पे हमने बनाया है। तो अगर आपका कोई फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी चेल्सिया बूट है या फिर आप चेल्सिया बूट पहनना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ इस टाइप के जो है वो बाइकर बूट यूज कर सकते हैं। ब्रांड की बात करो तो इनविक्टस ब्रांड का ये बूट है और इनविक्टस बजट में काफी अच्छा ब्रांड है। सिंपल क्लासिक ब्राउन कलर्ड सिंथेटिक लेदर बूट। लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको जो स्टिचिंग पैटर्न देखने को मिलेगा वो इस बूट को सिंपल में थोड़ा स्टाइलिश बनाता है। इस जूते में क्लोजर के लिए आपको लेसेस देखने को मिल जाएगा और लेस का जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। फुटबेड ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और हाँ, इस जूते के अंदर भी आपको जो है वो सॉफ्ट कुशनिंग देखने को मिलेगा। सोल के लिए यहाँ पे जो है वो हार्ड रबर का इस्तेमाल किया गया है और सोल उतना कुछ खास फ्लेक्सिबल भी नहीं है।
इस जूते के सोल को जो है वो बॉडी से ग्लू की मदद से चिपकाया गया है और इस जूते के नीचे आपको जो है वो सोल में उतना कुछ खास ग्रिप देखने को नहीं मिलेगा। भाई टैग प्राइस तो बहुत ज्यादा है लेकिन मिंट्रा से हमने इसको ओनली 838 रुपीस में परचेस किया है। सिंगल सेंटेंस में कहूं तो यार प्राइस के हिसाब से लुक्स एंड क्वालिटी परफेक्ट है, बट सोल का जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे। पार्टी, फंक्शन, राइडिंग के लिए आप इस टाइप के बूट यूज कर सकते हैं और इस टाइप के बूट जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा ही मैनली वाइब प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक ऐसा बूट ढूंढ रहे हैं कैजुअली पहनने के लिए किसी भी ओकेशन पे, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एफ्रोजैक का जो स्वेट मटेरियल का बूट है आप उसको परचेज करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा फॉर्मल टच चाहिए लेकिन थोड़ा सा रफ एंड टफ स्टाइल के साथ, तो फिर आप रोडिस्टा का जो बूट है उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैनली मैच्योर लुक्स चाहते हैं तो फिर आप जा सकते हैं इनविक्टस के जो बूट है उसके तरफ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, मेहनत पसंद है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और मैं हमारे इस कम्युनिटी को और ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने फैशन लवर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।